हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्वाति चावला आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड द सीरीज ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द बाइनरी फाइल एज यू नो अबाउट द पैटर्न हैज बीन इशूड बाय द ई इन दैट ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन वॉज देयर ऑफ बाइनरी फाइल ऑफ मार्क्स तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं आने के चांसेज भी हैं सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप नो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वॉट यू हैव टू डू अ बाइनरी फाइल एग्जाम डॉट डी ए टी हैज स्ट्रक्चर एग्जाम आई डी एग्जाम नेम डेट ऑफ एग्जाम एंड टोटल कैंडिडेट्स दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड द नेम ऑफ आर बाइनरी फाइल इज एग्जाम डॉट डी ए टी And we have to write a function. The name of the function is count exam in Python that would read the contents of the file exam.dat and now see this very carefully. Display the details of those exam where number of candidates are more than 250,000. Means exam ki details enter out of that, those we have to display the details of those exams. फॉर हैविंग मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कैंडिडेट्स प्लस और मुझे क्या करना है ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल एग्जाम्स मीन्स जितने भी एग्जाम के डिटेल्स में एंटर कराऊंगी मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी काउंट करना है ठीक है इन योर एग्जाम यूजर्स है सर्च और फंक्शन टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन बट सिंस आई विलउट दिस प्रैक्टिकली किस तरीके से डेटा राइट होगा रीड होगा सर्च होगा so i will show you completely write read and search function but in the exam pucha gaya you have to write that function definition part only okay so let's start now the same question is written here but uh, a binary file exam dot dt is structure given chicken okay? now very first thing what we will do we will define a write function to write the data in a binary file the name of the function, let's suppose, write. Then we have to create a binary file, and the name of the binary file is beta exam dot dat. We have to open that file in wb. That means writing in the binary file. Or the very first thing we have to do, import pickle module, because we are going to use the dump and load functions as well. नौ सी बेटा मुझे क्या क्या एंटर कराना है एग्जाम आई डी नेम डेट ऑफ एग्जाम टोटल कैंडिडेट्स अब कितने एग्जाम का डेटा है दैट तो यूजर विल एंटर एट रन टाइम तो उसके लिए हम एक वाइल लुक ले लें वाइल ट्रू दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू अब मैंने यूजर से क्या बोला बेटा एग्जाम आई डी लेट्स टेक इट इंटीजर वैल्यू एंटर एग्जाम आई डी फाइन इनपुट फंक्शन अब नेक्स्ट मुझे क्या लेना है बेटा यूजर से एग्जाम आईडी के बाद वी हैव टू टेक एग्जाम नेम नेम ऑफ एग्जाम भी ले लेते हैं इट विल बी इन स्ट्रिंग तो यहां पर हमने लिख दिया एंटर एग्जाम नेम अब नेक्स्ट क्या है बेटा डेट ऑफ एग्जाम इसको भी हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा इनपुट एंटर डेट ऑफ एग्जाम वेरिएबल नेम्स में आपके स्पेसेस नहीं होंगे बट अगर आप उसको विदिन कोर्स लिख रहे हो इनपुट फंक्शन में तो वहां पर आपके स्पेसेस हो सकते हैं नेक्स्ट क्या है टोटल कैंडिडेट्स इसको भी लिख लेते हैं दैट विल बी इन इंटीजर एंटर टोटल कैंडिडेट्स फाइन अब मुझे क्या करना है इसको एक लिस्ट बना दे जो जो हमने डेटा एंटर कराया क्योंकि जो पिकल मॉड्यूल का डम फंक्शन है इट विल राइट द डेटा इन द फाइल इन द फॉर्म ऑफ आदर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट डिक्शनरी सीक्वेंस के फॉर्म में वो डेटा एंटर करेगा ठीक है अब मैं क्या करती हूँ लेट सपोज आई एम टेकिंग वेरिएबल विद नेम डेटा एक लिस्ट बना देते हैं उसमें ये सारी वैल्यूज एंटर कर देते हैं एग्जाम आई डी एग्जाम नेम आफ्टर दैट डेट ऑफ एग्जाम एंड लास्ट इज बेटा टोटल कैंडिडेट ठीक है नाउ वी हैव टू कॉल द ड फंक्शन पिकर डॉट डंप और डम्प का सिंटेक्स क्या रहता है बेटा जो डेटा मुझे राइट कराना है वो किस वेरिएबल में है डेटा और किस फाइल में राइट कराना है नेम ऑफ फाइल हैंडल दैट इज एफ अब ये तो सर एंटर हो जाएगा एक एग्जाम का रिकॉर्ड नाउ वी विल प्रॉम्प्ट टू द यूजर डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट तो इफ यूजर विल प्रेस एन तो दैट मीन्स हम वहां पे लूप से बाहर आ जाएंगे इन ऑपरेटर यूज किया बट कैपिटल और स्मॉल एन वट एवर द यूज प्रेस इट विल एक्सेप्ट दैट उसके बाद हमने क्या लगा दिया बेटा ब्रेक स्टेटमेंट रूप से बाहर आने के लिए आफ्टर दैट वी आर क्लोजिंग द फाइल ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी स्टूडेंट को आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बट वी हैव डन टिल नाउ वी हैव इम्पोर्टेड द पिकल मॉड्यूल राइट फंक्शन डिफाइन किया बेटा वी हैव ओपन द बैनरी फाइल इन राइट मोड ये सारे डिटेल्स एंटर करा दी इसके लिस्ट बना दी इसको फाइल में डेटा को राइट करा दिया now the next step is we have to define the read function to read the data from a file the same file we will open in the read mode ठीक है अब इसमें हम क्या यूज करेंगे बेटा try and except try में हमने क्या लिख दिया while true that means one by one हम रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं pickle dot load और कौन सी फाइल से बेटा फाइल हैंडल लिखेंगे हम यहाँ पर और उसको हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं प्रिंट करा रहे हैं दैट मीन्स अगर सपोज मैंने फर्स्ट एग्जाम की डिटेल एंटर करी तो वो हमने रीड करी और अब हमने उसको क्या कर दिया प्रिंट करा दिया अब वो रीड करते करते कहाँ पर पहुंच जाएगा एंड ऑफ फाइल पर तो हेयर आई एम हैंडलिंग द एक्सेप्शन एंड ऑफ फाइल एरर और जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट होगी आई हैव टू क्लोज द फाइल ठीक है नाउ जस्ट वी हैव टू कॉल दीज टू फंक्शंस राइट एंड रीड ठीक है लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी then we will perform the search operation exam id let's suppose i'm entering 101 exam name let's suppose je date of exam let's suppose may 5 2021 total candidates let's suppose two lakh or suppose three lakh fifty thousand okay? chicken do you want to enter more record yes yeah spelling मिस्टेक होगी इसको बाद में करेक्ट कर लेंगे ठीक है एग्जाम आई डी लेट सपोज वन जीरो टू एग्जाम नेम लेट सपोज ये एडवांस्ड डेट ऑफ एग्जाम लेट सपोज जुलाई थ्री इसमें आप डेटा किसी भी फॉर्म में एंटर करा सकते हो हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया बेटा ठीक है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेट सपोज टू टेन थाउजेंड

एंड टोटल कैंडिडेट्स लेट सपोज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड ठीक है यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया एंड कि अब मुझे और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं कराने ना आई एम प्रेसिंग द एंटर की और सी इसने मुझे डेटा जो है मेरे को करेक्टली रिट्रीव करके यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया मीन्स इट इज़ राइटिंग द डेटा एंड इट इज रीडिंग द डेटा परफेक्टली कोई एरर नहीं आता ठीक है दिस इज़ एग्जाम आई डी एग्जाम नेम डेट ऑफ एग्जाम एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ना मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन अब हमें क्या करना है वी हैव टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दो वी आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब ये वाला कॉलम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का है बेटा लास्ट अब टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से अब जो उनसे हैं कौन कौन से है बेटा वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस मीन जेई एंड नीट एग्जाम के डिटेल्स चाहिए ठीक है अब इसका इंडेक्स चेक करेंगे दिस इज एट इंडेक्स जीरो वन टू थ्री दैट मींस मुझे डेटा रीड करने के बाद थर्ड इंडेक्स पर क्या लगानी है कंडीशन लगानी ठीक है है नाउ लेट्स जस्ट इसकी स्पेलिंग करेक्ट करते हैं पहले अब फंक्शन का नेम गिवन बेटा काउंट एग्जाम और जो केसेस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगे आपको वही केसेस लिखने हैं अब हम राइट करेंगे वो पार्ट जो आपको एग्जाम में लिखना है सर्च ऑपरेशन काउंट एग्जाम ठीक है Now up to perform search operation we have to read the data from a binary file. Read ke liye aapka ye cheez same rahegi beta try and then within try block while true ठीक है। After that अब देखो one by one data read कर रहे हैं pickle dot load f यहाँ तक same है बेटा ठीक है अब ध्यान से देखो जो हमारा आंसर आया था वो लिस्ट की फॉर्म में आया था दैट मींस नाउ वट आई हैव टू डू इफ जो लिस्ट का नेम क्या है डेटा ऑफ थ्री थर्ड इंडेक्स पर है ग्रेटर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यही कंडीशन है बेटा क्वेश्चन में डिस्प्ले द डिटेल्स डिटेल्स डिस्प्ले करानी ऑफ ऑफ एग्जाम्स वेयर नंबर कैंडिडेट्स मोर देन दैट हमें टू लाख फिफ्टी थाउजेंड वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी अगर होता कि इंक्लूडिंग वैल्यू एंड मोर तो हम इक्वल्स टू का साइन और लगा देते अब क्या प्रिंट कराना है मुझे सिर्फ डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डेटा उस डेटा में ही लिस्ट है सारा रिकॉर्ड है यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं कि आपको अलग से हाईलाइट हो जाए कि वी आर परफॉर्मिंग द सर्च ऑपरेशन ठीक है नाउ सी the so there is इन no need सो देर इज नो नीड टू कॉल द राइट फंक्शन अगेन read फंक्शन एंड काउंट एग्जाम फंक्शन अब देखो ध्यान से आउटपुट देखो बेटा ये है मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स नाउ सी जिसके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से अब हैं उनकी एग्जाम डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गई अब अगर क्वेश्चन में होता कि मुझे कम्प्लीट डिटेल्स नहीं चाहिए सिर्फ एग्जाम का नेम चाहिए तो यहाँ पर हम इंडेक्स क्या लिख देते बेटा डेटा ऑफ वन क्यों क्योंकि जो डेटा ऑफ है वो मेरा किस इंडेक्स पर है बेटा फर्स्ट इंडेक्स पर तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या आएगा बेटा नेम नेम अगर होता कि सपोज मुझे एग्जाम आईडी और नेम चाहिए कुछ नहीं करना जस्ट डेटा ऑफ जीरो एंड डेटा ऑफ वन ठीक है आप इसमें अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो नेम आईडी इस तरीके से लिख करके अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछा है बेटा डन ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल द एग्जाम्स अब अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं बेटा ये है बेटा आउटपुट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट मीन्स मुझे हर एक एग्जाम के लिए इस वैल्यू को क्या करना है ऐड करना है कंडीशन नहीं चेक करनी ऐड करना है और इसी फंक्शन में करना है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि दूसरा फंक्शन डिफाइन करना है सो व्हाट वी विल डू एंड यू नो दिस थिंग एडिशन टेक एनी वेरिएबल इनिशियलाइज इट विथ जीरो जीरो से ही क्यों इनिशलाइज करते हैं बिकॉज वेलि while एडिशन ऑफ एलिमेंट जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें हम नंबर वो करेंगे एड तो वो नंबर इट होगा और मल्टीप्लिकेशन में इनिशियलाइज किससे करेंगे बेटा वन से अब मेरे पास यहाँ पर आ गया डेटा थ्री तो व्हाट आई हैव टू डू सम प्लस डेटा ऑफ थ्री मीन्स अब हमने क्या किया बेटा एक रिकॉर्ड को रीड करा उस रिकॉर्ड में थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू थी उसको पिक करके ऐड कर दिया फिर कंडीशन चेक कर लेते हैं अगर टू लैफ फिफ्टी थाउजेंड्स अबव है तो डिस्प्ले करा देते हैं नहीं है तो ये ऐड तो हो जाएंगी वैल्यूज क्यों क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो काउंट करने हैं उसको मैंने यहाँ से पहले लिख दिया आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बट विदाउट एल्स लिखोगे अब उसके बाद मुझे क्या करना है इसको प्रिंट कराना लेट्स प्रिंट इट हेयर प्रिंट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल एग्जाम्स किस वेरिएबल में वैल्यू वेल, है बेटा सम वेरिएबल ठीक है तो अगर एग्जाम में आता है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है यू जस्ट हैव टू राइट दिस है अगर राइटिंग का पूछा तो यू हैव टू राइट द फंक्शन डेफिनेशन टू राइट द डेटा ऑल्सो नॉट लेट्स एग्जीक्यूट दिस अब रिजल्ट ध्यान से देखो ये हमारा ओवरऑल डेटा है कंप्लीट जो हमने फाइल में डेटा राइट कराया था ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज वी हैव कॉल्ड द रीड फंक्शन अब ये डिस्प्ले हो गए डिटेल्स जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू लैख फिफ्टी थाउजेंड अब है इसको आप टोटल कर सकते हो बेटा सारी वैल्यूज को तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल एग्जाम्स के आ जाएंगे नाइन लैख एटी थाउजेंड ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और एड कर सकते हैं Displaying exam details, saving candidates more than 2,50,000. So, I hope this program and concept related to this program is crystal clear now. Still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.